हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कच्चे पपीते के फ़ायदे के बारे में, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फ्रेंड्स, जो महिलाएं डिलीवरी के बाद बच्चे को दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, कई बार उन महिलाओं में कुछ लोगों को दूध बहुत कम निकलता है, जो कि उनके शिशु के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। ऐसे में उनका शिशु भूखा रह जाता है और इसकी वजह से उन्हें ऊपर का दूध देना पड़ता है, और कई बार वो उस दूध को या उस आहार को नहीं पचा पाता है और वो बीमार भी पड़ जाता है। ऐसे में कई संभव कोशिश की जाती है कि माँ का दूध ज़्यादा से ज़्यादा निकले, ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। ऐसे में फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय है कि जिन महिलाओं को ब्रेस्ट फीडिंग कराने में दिक्कत होती है, यानी कि जिनका दूध अच्छे से नहीं निकलता है, उनको कच्चे पपीते का सेवन करना चाहिए। फ्रेंड्स, पपीते के बारे में हम सभी जानते हैं, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, बहुत ज़्यादा विटामिन होता है, इसके साथ ही खनिज तत्व भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जो कि शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने का भी काम करते हैं। फ्रेंड्स, जिन महिलाओं की डिलीवरी हुई है और वो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनको भी पपीते का सेवन करना चाहिए। चाहे पपीता कच्चा हो या पका हुआ हो, दोनों में ही पोषक तत्व समान मात्रा में होते हैं। कच्चे पपीते के सेवन करने से शरीर में सभी प्रकार के एंजाइम और न्यूट्रिशंस की कमी को पूरा किया जा सकता है, जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छा होता है। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को कच्चे पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए। इसका सेवन करने से स्तनों में दूध बढ़ने लगता है और स्तनों में जो दूध की कमी है वो पूरी हो जाती है, और बच्चे का पेट भी भरा रहेगा और माँ और बच्चे दोनों को भी पर्याप्त पोषण मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छे होते हैं। तो जो महिलाएँ ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उन लोगों को पपीते का सेवन करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सिर्फ उन लोगों को लिए ही नहीं जो कि जिनका दूध बहुत कम निकलता है, या जिन लोगों का जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उन सभी महिलाओं को भी पपीते का सेवन करना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों का दूध नहीं पचता है और उन्हें गैस और गैस जैसी शिकायत हो जाती है, कब्ज और पेट दर्द जैसी समस्या हो जाती है। तो उन महिलाओं को भी यदि वो पपीते का सेवन करती हैं, तो इससे उनके बच्चे को गैस और कब्ज जैसी शिकायत नहीं रहती। तो फ्रेंड्स, जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उन्हें पपीते का सेवन करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है उन लोगों के लिए जिनका दूध बहुत कम निकलता है। तो ऐसी महिलाएं जिनको दूध की कमी है, ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय वो दूध बहुत कम निकलता है, उन लोगों को कच्चे पपीते का सेवन करना चाहिए। इससे उनका दूध पर्याप्त मात्रा में निकलेगा और वो उनके बच्चे और दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। पपीते के सेवन करने से आपको सभी प्रकार के पोषक तत्व भी मिल जाएंगे, जो कि न्यू मॉम्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।